हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्विक एंड इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मसाला स्टफ भिंडी। तो इसे बनाना बहुत आसान है, विद इन फ्यू मिनट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट्स प्लस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लगेगा आलू। तो मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, यानी पोटैटोज, बॉयल पोटैटोज है ये, मैश किए हुए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी, यानी धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टी स्पून, पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड 1 टी स्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, सम चिलीज 5 से 6, फाइनली चॉप किया हुआ हरी मिर्च, और एक प्याज लिया है मैंने, 1 अनियन फाइनली चॉप किया हुआ। तो आप चाहे तो प्याज ना डालें अगर नहीं खाते हो तो, और मसाले भी अपने अकॉर्डिंगली मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर रोस्टेड चना पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास रोस्टेड चना पाउडर नहीं है तो आप इसमें भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारा स्टफिंग मिक्सचर बनकर तैयार है, पोटैटो का यानी आलू का स्टफिंग करने के लिए मिक्सचर। अब मैं स्टफिंग भिंडी में भरूंगी। तो हमें भिंडी को बीच में से स्लिट कर लेना है। मैं आपको एक काट के बताती हूँ। तो सारी भिंडी को मैंने पहले से ही धो लिया था और इसे पहले से स्लिट करके रखा है। अब मैं इसमें पोटैटो का मिक्सचर ऐड करूँगी। तो इस तरह से हमें स्लिट किए हुए सेंटर पे रखना है और इसे अच्छे से प्रेस कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें फिलिंग भरनी है, आप देख सकते हैं। तो सारे भिंडी को मैं भर लूँगी पोटैटो मिक्सचर से, और हमें इसमें बहुत ही कम तेल लगता है। तो इस तरह से सारी स्टफिंग कर लेंगे हम सारे भिंडी में। तो ये पोटैटो मिक्सचर हमारा बचा है, जो इसे हम कैप्सिकम में भी इसी तरह से भर के फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है और भिंडी को हम फ्राई करेंगे। तो 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है मैंने पैन में, और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हमें कुक करना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड ऐड करूंगी, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड ऐड करूंगी, यानी सरसों और जीरा। अब इसे हम क्रैकल होने देते हैं। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करूंगी। तो आलू वाला हिस्सा को हमें पहले फ्राई करना है, यानी पोटैटो मिक्सचर जिस तरफ है पहले हम उस तरफ फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने चना दाल पाउडर ऐड किया है, जो रोस्टेड चना पाउडर, उसके कारण से ये अच्छे से सील हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब मैंने पैन में जितनी भिंडी आ गई है उतना डाल लिया है, बाकी का हम बाद में फ्राई करेंगे। तो इसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही हम टर्न करेंगे। तो सबसे पहले पोटैटो मिक्सचर को हम पहले फ्राई कर लेते हैं। अब ये एक तरफ से फ्राई हो गया है तो मैं इसे पलट लेती हूँ, और दूसरी तरफ से भी हम फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे भिंडी का रॉनेस नहीं चले जाए और ये अच्छे तरह से क्रिस्पी और पक ना जाए। तो इसे 3 से 4 मिनट बोथ साइड से हमें पकाना है पलटते हुए, और बीच बीच में हम ऑयल ऐड करेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम 3 से 4 मिनट इसे पका लेते हैं। तो ये अच्छे से पक चुका है बोथ साइड से। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं क्रिस्पी मसाला स्टफ भिंडी बनकर तैयार है, क्विक एंड ईजी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।